नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती में एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए बिहार लेकर आया है। कल जो बैठक हुई बिहार शिक्षा आयोग का और बीपीएससी के दोनों के बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि जो बच्चे बीएड के अंतिम वर्ष में है वो आपके इस शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इससे के तहत 30,000 बच्चों का एक जो अनुमान है 30,000 बच्चों का इसका फायदा मिलेगा कि वो बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या हुआ और आज भी आपका बैठक होने वाला है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में, आज किन मुद्दों पर बात होगा उन पर भी मैं बता दूंगा, और जैसा ही निष्कर्ष निकलेगा उस पर मैं जरूर एक वीडियो लेकर आऊंगा। और इन सब के बाद ये जो पॉइंट है क्लियर होने के बाद ही एक या दो दिन के बाद मुश्किल से मतलब एक इस सप्ताह में आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो देखिए क्या हुआ, क्या बैठक हुआ, ये आपको न्यूज़पेपर का कटिंग दिख रहा होगा क्लियर आपको। तो यहां देखिए साफ साफ लिखा है बीएड अंतिम वर्ष, ठीक है, विद्यार्थियों को भी मिलेगा मौका, नेगेटिव मार्किंग प्रभावी, ठीक है। यहां पर क्या हुआ और क्या क्या बातें हुई कि जो अंतिम वर्ष में बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक तो एनसीटी ने यह कही दिया था कि बीएड में अगर आपने दाखिला ले लिया और आपने सीटेट क्वालिफाई, चाहे कोई भी स्टेट हो सीटेट हो, अगर आप दे चुके हैं तो आप एलिजिबल होंगे, मतलब आप उसका जो स्कोर कोड होगा, स्कोर कार्ड होगा वो मान्य होगा। तो जाहिर सी बात है, तो बच्चे जो लोग बीएड में एडमिशन लेते हो अब दे देते हैं, सीटेट भी दे देते हैं और स्टेट भी दे देते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनको यहां पर, जैसे यूपी में क्या होता है कि आप जब तक बीएड क्वालिफाई नहीं हो तब तक आप सुपर टेट में नहीं बैठ सकते हो, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दे दिया है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हो बीएड के तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ और क्या हुआ है कि जो 11वीं 12वीं के कंप्यूटर के शिक्षक थे जिनके लिए बीएड का एक मामला चल रहा था कि क्या इनके लिए बीएड होना चाहिए कि नहीं, तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि जो 11वीं 12वीं के कंप्यूटर के टीचर हैं इनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, बीएड नहीं होना चाहिए, बिना बीएड के भी लोग अपने जो वहां पे अहर्ता मांगा गया है वो चीजें हैं, डिग्री है तो वो मान्य होगा। और साथ ही साथ जो 9th-10th के साइंस के टीचर हैं, जो विज्ञान विषय के टीचर होंगे, उनके लिए भी एक रिलैक्सेशन है। उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है कि जो बीटेक किया हुआ बंदा, इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा अगर 9th-10th के टीचर में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए बीएड जो है जरूरी नहीं होगा, इसके लिए बीटेक वालों के लिए बीएड जरूरी नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। यहां पर साफ साफ बोला गया है कि कक्षा 9वीं 10वीं के विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए, इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो एक और रिलैक्सेशन, जो बच्चे इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए 9th-10th का साइंस का टीचर बनना भी आसान हो गया। पहले सोचते थे अरे इंजीनियरिंग किए हैं बीएड तो किए नहीं है, इस वजह से टीचर नहीं बन पाते थे, लेकिन यहां बिहार में अब आसान हो गया है कि आप बिना बीएड किए बीटेक की डिग्री पर 9th-10th के साइंस के टीचर आप बन सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात हुई, ये बात हुई कि जिन विषय में बोला गया, वही यहां पर एक चीज और बोला गया है कि जो अधिसूचना के मुताबिक सभी स्तर के विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट मिलेगी। मतलब जो आपका वहां पर बोला गया था ना कि 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है, विद बीएड होना चाहिए, ये जो अर्हता मैंने आपको एक वीडियो में बताई है उसमें बोला गया है कि इन लोगों को जो आपके अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है या आपका फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, उनको उस अर्हता में जो आपका परसेंटेज मांगा गया है उसमें 5% की छूट दी जाएगी, ये भी कंफर्म हो गया। साथ ही साथ एक बात और कंफर्म की गई है, वो जिन यहां पर कि 2019 या उसके बाद एसटीईटी नहीं हुई है, उन विषयों में पहले जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति की प्रथम समय व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। मतलब ऐसा है कि जो एसडेट दिए हैं तो 2019 के बाद, यहां पर बोला 2019 या उसके बाद एसडेट नहीं हुआ है, तो जो वो सब्जेक्ट है 19 से पहले जिस दिन सब्जेक्ट में एसडेट हुआ था,
ठीक है, उनको 10 वर्ष की और छूट दी जाएगी। 19 के बाद आपका एस्टेट नहीं हुआ है, ऐसे जो विषय हैं, कुछ ऐसे विषय में जिनमें 19 के बाद एस्टेट नहीं हुआ है, पहले हुआ था, उनको 10 वर्षों का और क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। एप्लीकेशन में ये सब बातें की गई हैं, तो ये पूरा का पूरा रहा। उसके बाद से देखो, आज जो चर्चा होने वाला है, आज दोनों विभाग में, एक तरह से शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो आपका लोक सेवा आयोग है, उनके बीच में आज क्या क्या चर्चा होगा कि जो एक ही आपका फॉर्म के थ्रू अगर कोई योग्यता रखता है बंदा, ठीक है, उसके तीनों के लिए अगर उसकी योग्यता है तो वो एक ही फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर दे, इस पर भी बात है। निर्धारित योग्यता होने पर एक ही आवेदन से तीनों पद की परीक्षा में अभ्यर्थी होंगे शामिल, इस पर कि आपका अलग अलग आवेदन ना करना पड़े पोस्ट के लिए। आपने अगर आपके अंदर को क्वालिफिकेशन है हर पोस्ट के लिए तो आप तीनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, आप तीनों पे टिक लगा दीजिए बस, इसके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना हो। क्वालिफाइंग पेपर वन भाषा प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एक ही होगा, मतलब ये अलग अलग नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं एक पेपर ही रखा जाए, इस पर भी बात होगी। दोनों पेपर के प्रश्न पत्र बहुविकल्प वाले वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, इस पर भी मुद्दा है शायद। पेपर दो के 150 अंकों के आधार पर मेधा सूची में 100 अंक संबंधित विषय से होंगे। अंग्रेजी के प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे या नहीं होंगे, इस पर चर्चा होगा, पहले भी बोल दिया गया है, लेकिन कुछ पॉइंट अभी अभ्यर्थियों के द्वारा उठाए जा रहे थे, इस वजह से यहां पर इन सब चीजों पर चर्चा होगी कि इसको अनिवार्य किया जाए या नहीं किया जाए। वैसे बीपीएससी ने तो बोल ही दिया गया कि सबके लिए अंग्रेजी अनिवार्य रहेगा। पेपर दो में गलत जवाब के लिए 1/4 या ज्यादा अंक कम किए जाए, ठीक है। अब यहां पर डिपेंड कर रहा है कि 1/4 होगा या 1/3 होगा, किस पर वो डिपेंड करेगा या उससे ज्यादा होगा, ये सब आज चर्चा होगी नेगेटिव मार्किंग वर्किंग पे। तो इन सब के बारे में जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा कि क्या हुआ आज की चर्चा में दोनों आयोग के बैठक में, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। बिहार जो है बोर्ड का, जो एक तरह से बोला जाए, जल्द ही आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन यहां पर बोला गया है कि यहां पर देखिए, सभी बिंदुओं पर शिक्षा विभाग की सहमति के 2-3 दिन बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया, जो ये बिंदुआं हैं इस पर ऐसे शिक्षा विभाग क्या कहता है, ठीक है, जैसे ही उनकी स्वीकृति हो जाती है तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया जाएगा। जो बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा प्लस निःशुल्क में बैच चला रहा है, आप परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो क्लासेस आपकी पूरी तरह निशुल्क है, ठीक है, आप वहां से जा सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरी क्लासेस एक तरफ से लगी हुई हैं। और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, समय का अभाव होते हुए वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, और पूरा का पूरा एक बुकलेट लेना चाहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ई बुक आप अगर लेना चाहते हैं, स्पेशल ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया है, आप परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से ई बुक कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां रजिस्ट्रेशन करिए, कोर्सेस में जाएंगे तो वहां आपको बिहार शिक्षक भर्ती का कोर्स दिखेगा, जहां से आप ई बुक कोर्स से जुड़ सकते हैं, आपको पूरा का पूरा बुकलेट मिल जाएगा। कोई भी नया अपडेट होता है बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर तो मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, सवाल है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।